वो कहते हैं ये ठीक है, इनकी फौज भी ठीक है इनकी, वो गलत है मोदी। अच्छा। मोदी सरकार गलत। अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर उनसे, मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा, आप और हम तो नहीं होंगे। पर ही जो 150 साल तक नाम रह गया सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी, तकलीफ यहाँ है। 0. जीडीपी ग्रोथ रेट क्या 0.3%। क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक में नहीं है। इंडिया और अमेरिका जो है वो बबांगे दोहल जो यारी है वो तो है ही है, और हमारे साथ अमेरिका ने ऑलरेडी रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ हो, पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना हो। बात प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर से छेड़ी है कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ वाकई में ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो वो अपने जितने भी उनके गलत इरादे हैं, जितने भी दहशतगर्दी के इरादे हैं, जो वो दहशतगर्दी के सिक्के चलाते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे कश्मीर पर या फिर सीमाओं पर, वो बंद कर दिए जाए। आपने कहा है घर में आटा नहीं है, तो मुझे अफसोस हो रहा है, फिर ये कौन सी आजादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया, इससे अच्छा तो हम जुल्मों ज्यादती रह लेते लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्मों ज्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं, लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं। 20 रुपए किलो, 20 रुपए क्या चीज़ है, 20 रुपए तो ईजिली कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने ज़्यादा ख़राब हैं ये हम सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। भारत जब भी कोई कदम उठाता है अपनी विदेश नीति के थ्रू या कैसे भी जिससे कि भारत को फ़ायदा हो, तो ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। उनको इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भारत के इस कदम से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, और भारत जो है ना हर जगह पर पाकिस्तान की बदनामी करता रहता है। तो आज की ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखें, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नाउज़ बिल्ला कोई गलत बात करेगा तो हमसे बर्दाश्त होगा। इसी तरह उनके एक बड़ी कंट्री के अंदर वो एक गाय का कॉन्सेप्ट चलता है, उसके साथ हम, मुझे लगता है कि हम सबको चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके, जब एक पॉपुलेशन के अंदर इस तरह का उनका मजहब है तो हमें थोड़ा कोऑपरेट कर लेना चाहिए। अगर रिलीजन फ्रीडम से अलग हम थोड़ा सा देखें, एक गांव गाय की हद तक ना देखें, तो आज अगर देखें तो वहां 20 रुपए किलो आटा है, यहां पे अंकल मुझे बता रहे हैं 2800 रुपए किलो, 28 तोड़ है 20 किलो का, 20 किलो का। वही तो बता रहे हैं कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, हुकूमत चल ही नहीं रही ना, वो चलने देते हैं, दोनों तरफ अपनी आग लगी हुई है इनको, हम जो हैं पिसरे। हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमारी तो दिहाड़ी भी कवर नहीं होती, अब ये हालात हो गए हैं कसम खुदा की कि दिहाड़ी भी कवर नहीं होती, हम घंटों को हो गए खड़े हुए, घर जाएंगे घर वाले परेशान। हम कौन से मुसलमान है, ईद आती है हम चीजें महंगे करती है, हम कौन से मुसलमान है, रमजान मुबारक आता है तो हम महंगी चीजें करते हैं, हम कौन से मुसलमान। मुसलमान तो ये नाम के मुसलमान है बेटा, ये नाम के मुसलमान ही रह गए, मुसलमानों वाला काम कोई भी है ही नहीं हमें, कोई भूखा है तो भूखा है, वो हम साहब भी नहीं पूछता, अब तो ये हालात है, कोई बहन भाई भी नहीं पूछता, मुसलमान हम नाम के रह गए, इन्होंने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। कौन से मुसलमान है अंकल आप मुझे बताएं। मुसलमान है आप, खाली जबान का मुसलमान है, जबान का मुसलमान है, मुसलमान हो जाते हैं दूसरा काम मुसलमानों का भी करते हैं और अपना मसाइल को साथ भी देते हैं और अपना मुल्क की ख्याल भी करते हैं, तो अपना मुल्क भी घर कर दिया, अपना पब्लिक भी घर कर दिया। अंकल रो क्यों रहे हैं, अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर उनसे, मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अंकल चुप कर जाए प्लीज़, आपसे आपको रोता हुआ देख के आप भी मेरे बाबा की जगह, यकीन करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप रोए नहीं प्लीज़। सुबह से काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, हालात ऐसे बने हुए हैं कि सुबह से काम नहीं हुआ और अंकल की आंखों में आंसू आ गए इस टाइम कि घर जाएंगे और बच्चों को क्या देंगे या बच्चों को क्या कहेंगे, मतलब ये हालात है। अंकल अगर मैं कुछ दूँ आप रख लेंगे, बेटी समझ के, बेटी समझ के, बेटी समझ के, ये ले, ये बेटी समझ के, एक बेटी समझ के रख लें, ये एक बेटी समझ के रख लें। अल्लाह पाक बेहतर करे हालात, मुझे यकीन करे दिली दुख हो रहा है कि आज मतलब ऐसे हालात आ गए पाकिस्तान में कि मेरे बाप की जगह, मेरे बाप की उम्र के लोग आज मेरे सामने रो पड़े हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे, कोई मैसेज देना चाहते हो? सब का हाल यही है, सब का ही तक बुझा। कैसा
अपना मुल्क चाहते थे हम कि 75 सालों में जो कह रहा हूं कि अपना मुल्क लगती नहीं। आज देर कुछ है, सुबह कुछ है, रात को कुछ। अंकल रो पड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मतलब क्या टाइम, क्या इस टाइम सिचुएशन क्या बन गई है कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं वो और रो रहे हैं? और इसलिए महंगाई बहुत हो रही है तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बंदा क्या करें, रोएंगे और क्या करेंगे, बोलो क्या हाल हैं। आगे खड़े होके घर चले जाते, 400-500 में कैसे घर चलेगा। सही बात है, अभी तो डीजल और पेट्रोल भी इतना महंगा है कि बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा। इस टाइम मेरे पास अल्फाज नहीं है, जब आपने कहा है घर में आटा नहीं है तो मुझे अफसोस हो रहा है। फिर ये कौन सी आज़ादी, ये कौन सी हुक्मरानी जहाँ पर आप ऐशो इशरत के साथ जी रहे हो, आप गाड़ियों के अंदर जा रहे हो और यहाँ रिक्शे वाले रो रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमने फिर पाकिस्तान क्यों वजूद में लिया, इससे अच्छा तो हम जुल्म और ज़्यादती रह लेते लेकिन रोटी तो सुकून से खा लेते। अंकल आप मुझे बताएं, इससे अच्छा फिर वो नहीं था कि हम जुल्म और ज़्यादती सह लेते जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान सह रहे हैं लेकिन रोटी तो आराम से खा रहे हैं? 20 रुपये किलो, 20 रुपये क्या चीज़ है, 20 रुपये तो ईजिली कमा सकते हैं। 20 रुपये की तो 25 की रोटी मिल रही है, उसका वज़न भी कोई नहीं है। 20 रुपये का किलो आसानी से खाना खा, तो 20 रुपये की रोटी आप कितने जी खा लेंगे, कितने खा, एक रोटी आप खा लोगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, तो 100 रुपये की तो रोटी एक बंदा खा गया एक टाइम में, तो क्या करेंगे सारा दिन। अंकल थोड़ा सा आगे आइएगा, बातें तो आपने मेरे ख्याल से सुनी है हमारी। अंकल कह रहे हैं और इस टाइम इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं ये कहते हुए कि इस टाइम मुल्क के हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि रिक्शे का काम नहीं है और घर में आटा भी नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन बन गई, क्या इसलिए पाकिस्तान वजूद में लिया था? देखे ना, जब इस मुल्क में जो भी आए चोरी करे आके तो फिर यही हाल होगा उसका, हर जो भी आया ना उसने दो दो हाथों से लूटा है इस मुल्क को। मुल्क के हुक्मरान दो दो हाथ लूटते ये हमें पता है लेकिन हमारे सामने जब स्पीच करते हैं। आवाम को चाहिए कि इनको वोट ना दे, आए इनको इनको छित्रोल करें, जब ये आए ना कहें दफा हो जाए, हम नहीं देते वोट। आप कोई मुखलिस बंदा सिराजुल हक भी तो है, उसको क्यों नहीं आजमाते यार? वो वजीर था, मैं खुद गवाह हूँ, वो वजीर खजाना था उधर पेशावर में, यकीन माने उसके घर, आप घर आप उसके देखें किस तरह का है, और ये हमारे इनके देखो कितने कितने महल हैं। जो भी आता है जज आता है लूटता है, बाहर जाके फार्म हाउस खोल रहता है, जर्नैल हैं वो भी इसी तरह लूट रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। मैं खुद खिलाफ हूँ फौज के, फौज को कभी भी नहीं आना चाहिए घूमने, सिविल गवर्नमेंट लड़े मरे उनको मरने दो, फौज नहीं आनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात की गई है, एक तो भारत के साथ में कंपेरिजन किया गया है और दूसरा इसमें पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान में जो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है लगातार डिक्लाइन कर रहा है, वो लगभग 313 के आसपास चला गया है और पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर बात की गई है। तो थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, जो पत्रकार महोदय है वो कुछ रिक्शे वालों को इकट्ठा करके सवाल कर रही थी कि पाकिस्तान के हालात जो है वो किस प्रकार के हैं। तो हमने इस वीडियो में भी देखा कि वो बताते बताते हालांकि रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में 400 से 500 की मजदूरी होती है रिक्शा वाले की और इधर आटा जो है ना वो लगभग 10-15 किलो की जो बोरी आती है वो 3000 रुपये में मिल रही है, पेट्रोल 300 रुपये पर जा रहा है। तो अब पेट्रोल भरवाए, आटा लेकर जाए, क्या क्या करें? तो उनका जो वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा, उनका कहना है कि उनके घर में इस समय भी आटा नहीं है, वो दिन में मजदूरी करेंगे, शाम को थोड़ा बहुत आटा लेकर घर में जाएंगे तब उनके बच्चों को रोटी मिलेगी। तो पाकिस्तान के अंदर हालात ये हो चुके हैं। मिडिल क्लास और अपर क्लास ये जो हैं इनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है और वो फिर भी यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं फ़िलहाल तो, लेकिन जो गरीब तबका है जो पाकिस्तान में डेली रेडी लगाता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, उनको डेली मजदूरी चाहिए, शाम को वो नमक मिर्ची तेल आटा वगैरह अपने घर पर लेके जाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उन लोगों पर महंगाई की वजह से इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पाकिस्तान में और हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि लोग टाइम पर आटा भी नहीं खरीद पा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 300 का आंकड़ा टच कर गया है और अब खबर आ रही है कि 313 रुपये तक
पहुंच गया है, लगातार ये गिर रहा है और बहुत जल्द ये 400 तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और वो महंगाई को कंट्रोल इस समय नहीं कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक है कि वो अपनी जनता को दिलासा देने के लिए भारत के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत में तो 10-15 रुपए किलो आटा मिलता है और पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। बाकी इसका जो रास्ता है वो उन्हें ही निकालना है और कैसे निकलेगा ये पाकिस्तानियों को सोचना है। बाकी अगर आपको इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।